एक क्लिप आपको दिखाते हैं जो एम्पावर्ड वुमेन की बात की ना, शहजोरी ड्रामा था उसका एक क्लिप दिखाते हैं, उसके बाद जावेद शेख साहब भी हमारे साथ मौजूद होंगे, उनसे भी हम बात करेंगे। पहले शहजोरी ड्रामे का एक छोटा सा क्लिप देखते हैं। क्या करेंगे आप भाई? बस शोर मचा के रख दिया, बाजा बजा रहे थे, और क्या करेंगे आप? जैसा आपसे मिलना होगा इस वक्त घर पर नहीं, शाम को आइएगा। तो ये क्या किया आपने? ओहो कह तो दिया शाम को आइएगा, इस वक्त हम मसरूफ है, काम कर रहे हैं। ए जी तुम, आप कौन है? हम कौन है? अजी घर हमारा है, तुम कौन है जो बेनते बैल की तरह घुसे ही चले आ रहे हो? नाम क्या है आपका? क्यों पुलिस में रिपोर्ट लिखाओगे क्या? वो ये क्या मुसीबत है, आप मेरी बात तो सुनते नहीं है। क्या बात बात क्या सुनूं? अच्छा खैर छोड़िए, खबरदार खबरदार तो सामान को हाथ लगा। जी ये एक छोटा सा क्लिप था जिसके अंदर आपको नजर आता है कि पावरफुल खातून, एम्पावर्ड खातून किस तरीके से हसीना मोइन साहिबा ने प्रेजेंट की अपने शुरू के ड्रामों में भी, और हमेशा वो यही करती रही। बिल्कुल। जावेद शेख साहब हमारे साथ मौजूद है, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया सर आपने वक्त निकाला प्रोग्राम के लिए। कंवल नसीर साहिबा और हसीना मोइन साहिबा के हवाले से आज हम बात कर रहे हैं, उनको ट्रिब्यूट पेश कर रहे हैं। क्या कहेंगे सर उनकी कामयाबियों के बारे में, जिस तरह के किरदार हसीना साहिबा ने लिखे, जिस तरह से प्रेजेंटेशन, और अनाउंसर कंवल नसीर साहिबा पीटीवी की पहली फीमेल अनाउंसर थी, बल्कि पहली अनाउंसर थी पाकिस्तान टेलीविजन की, किस तरह से दोनों को आप देखते हैं? देखें दोनों पाकिस्तान टेलीविजन का बहुत बड़ा नाम थे। कमल नसीर साहिबा ऑब्वियसली पाकिस्तान की पहली खातून थी जो अनाउंसर थी। आजकल तो ये रिवाज ही खत्म हो गया अनाउंसमेंट का, तो डायरेक्ट हो गया, तो ऑब्वियसली और ये उस वक्त उन्होंने शुरू किया जब खवातीन घबराती थी टेलीविजन या फिल्म में आने से, तो ये उनकी हिम्मत थी और उन्होंने फिर एक ग्रेसफुली अपना टाइम गुजारा और एक नाम कमाया। अल्लाह मियां उनको अपनी जवार रहमत में जगा दे, आमीन आमीन। और हसीना आपा ये मेरी जिंदगी का चेंज ही, मैं शेख जावेद इकबाल से जावेद शेख बिल्कुल हसीना मोइन साहिबा की वजह से बना। वो ऐसे के इन्होंने एक प्ले शुरू किया जिसका नाम था अजनबी, शोएब मंसूर साहब और इन्होंने मिलके, और वो मैं और बैरोज उसमें कास्ट हो गए। अच्छा। अब कास्ट हो गए, उसका पायलट प्रोग्राम बन गया और वो हेडक्वार्टर चला गया, हेडक्वार्टर से अप्रूवल आ गई कि हाँ ये अजनबी को शुरू कर दे। अच्छा। तो हाँ तो वो इस दौरान हमें गजनफर अली की एक फिल्म मिल गई तीसरा किनारा, तो दूसरा किनारा मेरा ख्याल दूसरा किनारा, हाँ वो वहां पे शूटिंग थी शारजा में और हमें इजाजत नहीं मिली। मैं बहुत शॉर्ट करके आपको सुना रहा हूँ, तो इजाजत नहीं मिली तो हमको बगैर इजाजत के भाग के पाकिस्तान से शारजा जाना पड़ा जहां हमने फिल्म की शूटिंग की। जब हम वहां पहुंच गए तो पता लगा जी हम पाकिस्तान टेलीविजन पे बैन हो गए। अच्छा। तो हाँ हमें पाकिस्तान, क्योंकि बैरोज और मैं इसमें थे अजनबी में, वो रुक गया क्योंकि हेडक्वार्टर उनको कह रहा था शोएब मंसूर को और हसीना मोइन को कि भाई ये शुरू करें। अब उन्होंने ये कमाल किया कि उन्होंने कहा कि भाई ये तो कैरेक्टर जो जावेद शेख का है ये यही करेगा, और ये जो कैरेक्टर बैरोज का है ये वही करेगा। तो अब वो लिंगर ऑन करते करते हमारा जो बैन था वो 10 महीने तक रहा। दस महीने हम उनसे माफी मांगते रहे, क्योंकि शफी मोहम्मद भी थे, शफी मोहम्मद का एक रनिंग सीरियल जो के ऑन एयर था वो छोड़कर चले गए थे और हमारा ये रुक गया था अजनबी। तो जब हमारा हम बहाल हुए तो हसीना आपा और शोएब मंसूर ने इसको अनकही के नाम से शुरू किया। अच्छा जी। तो अनकही फिर जब चला और आया तो उसने तो मेरी जिंदगी बदल के रख दी, फिर देयर वाज नो कम बैक। यू नो मैं तो एक डेढ़ फिल्म कर चुका था, ड्रामों में काम कर चुका था, बट इतनी पॉपुलैरिटी और इतना नहीं था फिल्म इंडस्ट्री में, तो ये तसव्वुर किया जाता था कि जावेद शेख एक फ्लॉप एक्टर है, बट अनकही ने तो
बस मैं आपको जो आपका उरूज था, हाँ जो उरूज था आपका, वो वहां से शुरू हुआ, पॉपुलैरिटी भी और फैन फॉलोइंग भी। मोस्ट फेवरेट मेमोरी आपकी क्या है हसीना मोइन साहिबा की, वो जो चीज आपके जहन में नक्श हुआ अभी तक? मैंने तो देखे ये तफाक है कि एक ही ड्रामे के बाद मैं लाहौर, मुझे ऑफर मिल गई और मैं चला गया। नदर शहबाज साहब की फिल्म थी कभी अलविदा ना कहना, उसके बाद चल सो चल, और मेरी बड़ी ख्वाहिश थी कि मुलाकात तो रहती थी शोएब से, मोहसिन अली साहब और हसीना आपा से, बट मेरी ख्वाहिश थी कि अब जब मैं फिल्मों में चला गया हूँ तो मैंने अपनी 95-96 में एक फिल्म शुरू की मुश्किल, उसके बाद फिर चीफ साहब, और तीसरी चौथी फिल्म थी कहीं प्यार ना हो जाए, जो कि सतीश आनंद साहब ने उसको प्रोड्यूस किया था और मैंने उसको डायरेक्ट किया, जो कि जिसकी सारी शूटिंग टर्की में हुई थी। तो वो कहानी मैंने उस कहानी के लिए मैं हसीना आपा के पास गया था कि आप मेरी ख्वाहिश है, क्योंकि आप जैसे लिखती हैं और जिस प्यार से आप पूरे यूनिट को रखती हैं, वो चीजें मैं चाह रहा था कि फिल्म के अंदर भी आए। तो वो उन्होंने मेरी बात मान ली, मेरी वो फिल्म लिखी कहीं प्यार ना हो जाए, और फिर हमने उनके साथ काम किया, जो कि एक यादगार चीज।